अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जरी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे? मैं भी खैरियत से हूँ। ज़ाहिर है मैं रोज़ाना स्टार्ट करती हूँ तो फिर अपना ही लग जाती हूँ पकाने के लिए। मैंने कहा चलो आज हाल अहवाल मालूम कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे अपने जरी किचन में बेसन की रोटी विद चटनी। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बेसन है हमारे पास 3 पाव, इसको हमने छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं, ठीक है। और ये सफ़ेद आटा हमारे पास है 1 पाव, इसलिए बता रही हूँ मैं कि 1 प्याली 2 प्याली समझ में नहीं आता। तो 3 पाव बेसन है और 1 पाव आटा है। इसमें हम डालेंगे ये 3 टेबल स्पून घी, ठीक है। और इसमें नमक मिलाएंगे हम 1 टेबल स्पून, वो जितना जाएगा उसके हिसाब से डालेंगे। पहले हम करते हैं आटे को मिक्स, आसिन ऊपर कर लेते हैं। बेसन की रोटी में आटा कम जाता है क्योंकि बेसन का मकसद कितना कम हो जाता है, वो आटे की रोटी बन जाती है। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिला लें इसको। इसमें हम डालेंगे नमक, देखिए 1 टेबल स्पून नमक है। अच्छे तरीके से मिला दें यूँ करके। ये हमने घी मिला दिया इसमें। टीस्पून जीरा भर के डाल देंगे इसमें। अब इसको भूनते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये पानी जो है सादा पानी है, ठंडा, जैसे घर में जो पीते हैं इस्तेमाल करते हैं वो वाला पानी है। इसको अच्छे तरीके से मिलाएं। तरह से ही चिपक जाता है सारा इसके अंदर, हटाते रहो उसको तो साफ़ नहीं होता। तो हमने जिस तरीके से बताया आपको कि पूरा आटा नहीं जोड़ना एक साथ, अब हल्का हल्का पानी लगा के इसकी गुंदाई कर देंगे। देखिए इतना थोड़ा सा पानी लेंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे इसकी गुंदाई कर देंगे। का थोड़ी चौड़ी चीज़ नहीं, बड़े इसमें बॉल में भी गुन सकते थे, लेकिन बॉल में नहीं गुनते। बॉल में इस तरीके से नहीं गुंदेगा, ये सब चिपक जाएगा। देखिए चिपक के इस तरीके से हटा दें सारा इसको यूँ करके। देखिए ये गुन के तैयार हो गया। इसको हमने 1.5 गिलास या 2 गिलास के करीब पानी था, हमने उसके अंदर गुन लिया पूरा आटा। 3 पाव बेसन और 1 पाव आटा लिया था हमने, उसमें ज़ीरा नमक डाल दिया था। आप देखिए इस पर ऊपर से घी है हमारे पास, घी इस पर सब लगा देंगे ताकि ये पपड़ियाँ ना बने इसके ऊपर, ये सूखे नहीं आटा। इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। जब तक हम अपनी तैयार करते हैं टमाटर की चटनी जो इसके साथ खाई जाती है। तो तेल डाल देते हैं इसके अंदर, चटनी बना रहे हैं हम, थोड़ा तेल ज़्यादा हो जाएगा 1 कप के बराबर। तेल जैसी होता है इसके अंदर मसाला डाल देंगे। मसाले रखे हैं हमने 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है और ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा है। तेल गर्म हो गया, इसके अंदर अब हम ये ज़ीरा डाल देंगे सारा। प्याज है 2 मीडियम साइज की, स्लाइस कर लिया है इसको हमने, ये डाल देंगे इसमें। और 5 से 6 मिनट इसको हम लोग सुनहरी करेंगे, इसमें बताएंगे आगे का क्या।
सुनहरी हो गई हमारी। देखें इतनी सुनहरी करनी है। इसके अंदर जो मसाले हैं सारे जो हमने बताए थे ये चले जाएंगे इसमें। और ये हमने 6 हरी मिर्चें काट के रखी हैं, तेज़ है ये। फिर डाल दें इसमें, चूल्हा कर दें इसका कम, थोड़ा सा इसको फ्राई करें ताकि मसाला भुन जाए। देखिए ये मसाला भुन रहा है इधर। ये हमने टमाटर ले लिए 1.25 किलो है ये टमाटर, इतने प्याला देखें भरा हुआ है। 1.25 किलो हमने इसके स्लाइस कर लिए। अभी ये इसमें डाल देंगे हम। आप ये देख रहे होंगे कि इतनी सारी चटनी, तो ये टमाटर ही होंगे इसके अंदर, और तो कुछ होगा नहीं। हम लोग ज़्यादा ही बना लेते हैं, बहुत मजे की बनती है तो खाते हैं। फिर इसको रख के थोड़ा सा तो इसको हम 2 से 3 दिन रख सकते हैं फ्रिज में उसी कवर करके, ठीक है। अच्छा देखें जब आपके सामने ये बुनाई होगी ना चटनी की, तो कितने थोड़े हो जाएंगे टमाटर, क्योंकि पानी पानी तो होता है इनके अंदर। अब इसको कवर कर देंगे हम 25 मिनट के लिए। आँच कर देंगे किसी लो, कवर करते हैं। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। इसको पकते हुए 1/2 घंटा हो गया है। देखा आपने इसका पानी कितना खुश हो गया। हमने कितने टमाटर लिए थे, 1.25 किलो के करीब लिए, कितने से हो गए। इसकी थोड़ी सी भुनाई और होगी, बिल्कुल सिमट जाएंगे ये, ठीक है। तो बेसन की रोटी के साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है, इसी से खाते हैं। ज़्यादा बनानी पड़ती है फिर हमें चटनी। और संडे को हमारे यहाँ लाजमी बनता है ये बेसन की रोटी चटनी, घर में सारे होते हैं। दोपहर में ये बहुत मज़े की लगती है। अभी हम आपको रोटी बनाना दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं ये। जब भी उनसे दोपहर में पूछते हैं क्या बनाया, तो वो फौरन से फरमाइश कर देते हैं, नहीं आज तो बेसन की रोटी चटनी बनेगी, ये बनाओ बस। अब इतने यूज्ड टू हो गए इसको बना बना के, बस जल्दी से निकालते हैं सब कुछ, मसाला बनाते हैं और बना देते हैं बेसन की रोटी। चले इसको इधर करते हैं, हम अपनी बेसन की रोटी की तैयारी करते हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे इसके आज, क्योंकि ये भुनाई पर है, मीडियम आंच करके इसको भी भुनेंगे, ठीक है। इधर बेसन की रोटी की तैयारी करते हैं हम, तवा रखते हैं। देखिए भाई हमारे छोटे छोटे से हाथ आ रहे हैं इसमें कुकिंग के लिए। ये हमारी अब्रिश हैं और ये छान रही हैं बेसन, ठीक है। इस तरीके से हम छानेंगे ये बेसन, हम इसलिए छान रहे हैं कि हम इसमें पेड़े बनाएंगे बेसन की रोटी के, ठीक है। ऐसे ऐसे छान छोड़ दो, हम छान लेंगे, छोड़ दो आप। क्या हुआ ये, छान लें सारा ये बेसन, क्योंकि बेसन में ही बनेंगे इसके पेड़े। देखें हमारे पास जो आटा था हमने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, अब इसमें से हम अपने पेड़े बनाएंगे। इस साइज़ का पेड़ा लेंगे, इससे ज़रा सा बड़ा। कितना स्मूथ बना हुआ है देखें आटा बेसन का, हमने आपके सामने गूंदा था इसको। इस तरीके से इसके पेड़े काट काट के यहाँ रख लेंगे, एक ही साइज़ के पेड़े कटेंगे इसके, ये देखिए इस साइज़ के। देखिए इस तरीके से बनाएंगे पेड़े, पहले यूँ रखेंगे इसको, फिर यूँ करेंगे, फिर यूँ, और इसको यूँ लेके और ऐसे ऐसे हाथ के अंगूठे की मदद से ये अंदर दबाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है मैंने पेड़े में बनते उनसे सही, तो इस तरीके से बन जाएंगे। देखें इधर से भी देखें और इधर से भी देखें, ये 4 पेड़े बना लिए। आपको रोटी बना के दिखाते हैं, पहले चूल्हा जला लिया, तवा रखा है इसके ऊपर हमने। जैसे आम तरीके से रोटी बनती है वैसे ही बनेगी। इसको सेकेंगे हम कपड़े की मदद से, वाइट वाली साफी निकालना इसमें से। अब क्या होता है कि बेसन की रोटी जब बेलते हैं इस पर हम, तो चिपक जाती है। अब नहीं चिपकेगी आपकी रोटी, इस तरीके से बनाएं आप। थोड़ा सा बेसन डालेंगे हम इधर, अगर ज़्यादा बेसन कर दिया वो भी तवे पे जलेगा और फिर रोटियाँ जली जली सी बनेंगी, सारा मसाला जल जाएगा उसके ऊपर जो बेसन का होता है वो। बेसन
लेकिन यही साइज बनाएंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा, ठीक है। इसको उठाएं, तवा हमारा गर्म हो गया, हाँ इस पर डाल देंगे बिस्किट गर्म होने जब तक ये बनती है, दूसरी रोटी बन लेते हैं हम लोग। देखिए ये भुन गई है हमारी चटनी, टमाटर की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है अब ये। अब इसमें हम हरा धनिया काट के डाल देंगे, देख रहे हैं बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर, टमाटर का अपना पानी सब खत्म हो गया, ऑयल ऊपर आने लगा है इसका। 2-3 मिनट और भूनते हैं इसको, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए इसके। तरीके से करें इसको, पलट दिया इसको, ये हमारे पास साफ़ी है, ये साफ़ी इसको हम ऐसे करेंगे, तेज़ चूल्हा कर देंगे और इसकी सिकाई करेंगे इस तरीके से। ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये बेसन की रोटी पे आने चाहिए पूरे इस तरीके से। रोटी सिक गई इस तरीके से, इसको हटा देंगे, चूल्हा कम कर देंगे, रखें इस पर। घी है हमारे पास, ये हम इस पर लगा देंगे घी, 1 टेबल स्पून भर के इस पर घी लगा दें। अब दूसरी रोटी बनाएंगे फिर बताएंगे किस तरह लगाना है। देखें ये दूसरी रोटी भी डाल दी हमने, इसको इसी तरीके से सेकेंगे। हाथ बचा के, गरम बहुत होता है तवा, ये थोड़ी सी भी है इधर से, तो हमारे यहाँ रोड पे हमारा जो है वो घर है, तो बहुत गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से, बार बार वीडियो रोकनी पड़ती है, इतनी तेज़ तेज़ बाइक लेके जाते हैं साइलेंसर निकाल के उसका, तो वाह डिस्टर्ब होते हैं हम भी। देखें ये सिक गई है रोटी, अब जो हमने पहली वाली रोटी रखी थी ये तो सिकी हुई थी ऐसी, इस पर हम इसको रख देंगे, हम इसका चूल्हा कर देंगे पहले कम, ये रखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर फिर हम जितना आप घी खाते हैं उसके हिसाब से ये रख लें। इसमें मक्खन भी लगा सकते हैं, मक्खन लगा के भी खाते हैं, मगर मक्खन जो है सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है, गर्मियों में नहीं, ठीक है। ये लगा दिया आपने, लेयर बाय लेयर हम इसी तरह लगा लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। हमारी सारी बेसन की रोटियाँ तैयार हो गई, कितनी सारी तैयार हुई हैं, ये 2 अभी और हैं तो भी हम डाल देंगे इसके अंदर पका के खाने के लिए, सब बैठे हुए बेचैन। टमाटर की चटनी बन गई है, दोपहर का टाइम है, ठीक है। और जो हमने मिर्चें बनाई थी ना, तो इस बेसन की रोटी के साथ खाएंगे हम लोग, और ये अचार है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इस महीने को बहुत ज़बरदस्त बनेगा ये दोपहर में, चटकारेदार मज़ेदार। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।